झारखंड हाई कोर्ट ने धनबाद के आशीर्वाद टावर एवं हाजरा क्लिनिक में आग लगने की घटना को लेकर स्वतः संज्ञान में दर्ज जनहित याचिका पर आज सुनवाई की। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को भवनों का सेफ्टी ऑडिट कराकर कोर्ट में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए घटना पर दुख प्रकट किया और राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि इस तरह की घटना की भविष्य में पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए सारे इंतजाम दुरुस्त किए जाए। इस मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी। झारखंड हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस अपरेश कुमार सिंह व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने धनबाद के आशीर्वाद टावर एवं हाजरा क्लिनिक में आग लगने की घटना को लेकर स्वतः संज्ञान में दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई की। आपको बता दें कि धनबाद जिले के धनसार के जोड़ा फाटक में आशीर्वाद टावर बिल्डिंग में आग लगने से मंगलवार को 14 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले को राज्य सरकार ने भी गंभीरता से लिया है। बुधवार को झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता घटनास्थल पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि यहां ट्रैफिक और फायर फाइटिंग की व्यवस्था की काफ़ी समस्या है, इसमें सुधार की ज़रूरत है। इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री के निर्देश पर जल्द ही बेहतर सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाया जाएगा। राज्य में अग्निशमक सेवा दुरुस्त करने की भी पहल की जा रही है। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।